टाइम है इस वे इत ही अपने फ्रेंड्स नाल जाने तुसी रुको मैं उदे नाल गल करके आउंदी हां असी सारे चलते हैं लेट्स गो नहीं नहीं तुसी ना जायो जे तुसी उत्थे जाके इदां दी कोई गल कहती जेड़ी उनू बुरी लगी वो इस वेले अपने दोस्तां नाल है मैं कुछ गलत क्यों कहूंगा तेनू भी ते लेके आया ना वापस मैं ना अपनी मर्जी नाल आई हां तुसी ने मैनू लेके आए वापस एवी वापिस लेके जान ले आई है ना तू बड़े खराब है मेरे घर दे पर मैं भी कल वापस नहीं जाना ठीक है जिद्दां तेरी मर्जी अच्छा तू मैनू मनाउण लई नहीं आई इत्थे नहीं मैं तां बल्कि तैनू ए दसण आई हां कि घर विच ना सब कुछ पहले वांगू ही है मतलब तेरे जान तो कोई फर्क नहीं पया सगो तेनू तो कोई याद भी नहीं कर रहा उत्थे सारे बहुत खुश ने कि तू अपने नानके गई अपने पेपरां दी तैयारी करन वास्ते किसे नू कोई फर्क नहीं पया ना जमा भी नहीं पर हाँ ओ कल बाऊजी ते बीजी ते व्याह दे ना 50 साल पूरे हो रहे ने ते ओ की कहंदे ओनू वेडिंग एनिवर्सरी तेरू याद नहीं सी तू नहीं आना पार्टी ते असि तो मानवर नु भी बुलाया होया ओ भी आ रहे ने ते तू भी आ जावी दोबारा बाद विच वापस चली जावी तेनू ते एक बारी फिर आना पैना ओ तेरी मंगड़ी भी है ना ते नाले चाची चाची जी तो आजकल ना तेरे लिए ड्रेस देख रहे ने पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਡਰੈਸ ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੀਤ ਭਾਬੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਂਟੂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ सारे परेशान भी हो रहे सी पर फिर बाद विच ना उन्होंने समझाता सी कोई गल नहीं टेंशन ना ले तू रणवीर पाजी पलक आ रही है वापस रीत भाभी ने मना लिया पलक नो देखिए मैं इन्ना भी बुरा नहीं हैगा हां जी कदे कदे चंगे काम कर लेने हो तुसी भी कहानी पता लगे कि घरों भज के तू की कर रही सी पलक बड़ी जिद्दी है पता नहीं वो रीत का कहना मनूगी भी कि नहीं पता नहीं वो घर वापस भी आऊगी कि नहीं नीतू भाभी एवं चिंता ना करो
पलक ने आ जाना है। कई बार बच्चे रुस के घरों चले जाते ने, पर रीत गई है ना, उन्हें उन्होंने ले आना है। रीत वो कितों आ गई? जिथे वो गई सी बटा लियो। रणवीर उन्हें वापस ले आया, ते हुण वो दोनों पलक नूं लैण गए ने। रणवीर वापस भी आ गया ते चला भी गया, मैनू मिलिया नहीं आके। तू रीत नूं भी ले आया, वो मैं समझाया भी सी उन्हें, फिर भी नहीं मन्या। पलक मेरी धी रानी आ गई तू। हां जी आ गई, पर पक्की रहने नहीं आई थे। ओ कल बाऊ जी थे बीजी दे ब्याह दी 50वीं सालगिरह है ना, तो ओदी पार्टी वास्ते आई है। सालगिरह नाले अपनी मंगनी वास्ते ड्रेस भी तो लेनी है ना पलक ने। ओ नहीं नहीं पुत्र, असी आ सालगिरह सुलगिरह नहीं मनांदे, साडे च नहीं रिवाज हैगा। और दसो बुड्ढी घोड़ी ते लाल लगाम। बीजी पहले ना बनाई होगी, पर इस बारी तो बनानी पौगी। ओ जी 50 साल हो गए तुहाडे ब्याह नूं, पार्टी शार्टी तो बनदी है ना जी? लाली पार्टी विच फिर पलक दा होना भी तो बनदा ही सी ना। बनदा सी बनदा सी। एक्चुअली बाऊ जी जो रीत नूं तुहाडी एनिवर्सरी दे बारे पता लग्या ना, फिर उन्हें यही एक्सक्यूज बनाया पलक नूं वापस लैण लई। सियाणा बंदा मौका सां भी लैंदा हुंदा, पर तू शुक्र कर तेनू चंगी बूटी मिली है। मैनू तो कई बार इनू वेख के अमृता की याद आती है। मेरे नाल सिद्धे मूह गल भी नहीं की, रीत तू वापस ले आया। बैग दे अपना पलक, बैग खोल। मैनू पता है तू एदे च ही पाया सी, छड़ छड़ बैग। अनन्या की कर रही है, छड़ की हो रहा है? आ देखो आ की है, परफ्यूम। मैंने आप देखा सी किसी मुंडे को लेंदे होया, ते मामा जी दे घरे ना पढ़ाई करन नहीं सी गई, किसी होर ही काम गई सी, वो भी उदों जदों मानव इत्थे है। ए गिफ्ट है, ते मैं गिफ्ट किदे को लेना ते किदे को नहीं लेना, मैनू तेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो आके गई हूँ, जिन्हों देखो मेरी जिंदगी दखल देने फिरता। दखल देने फिरता की मतलब है तेरा? देखिया
ऐसा की हो रहा है? तू तो मैनू यह कह के घर ले आई सी ना कि कोई मैनू कुछ नहीं कहूगा, पर हुण मैनू समझ लगी कि वह सब बस झूठ सीगा। तू तो मैनू इस करके घर ले आई है ताकि सारे दोबारा मैनू परेशान कर सकन। गल करनी है मैं, तेरे तो थोड़ी देर भी सबर नहीं होया अनन्या, मतलब हुण मैं अपनी भैन नाल गल भी नहीं कर सकती। देख पलक, मैं तेरे नाल वादा किता कि कोई तेनू डांटेगा नहीं, पर पहला इत्थे बैठ जा ते अपनियां ना अखां नू लाल कर ले। ते जदों तू बाहर जाएगी ना सारे नूं यही लगूगा मैं तेनू बहुत सुनाया तो तू रो के हटी है, फिर किसी ने तेनू कुछ नहीं कहना। थैंक यू। चलो कोई नहीं, इन्ना तो मैं तेरे लिए कर सकती हूँ। ओए आ सेंट जिहा तो बड़ा सोहना ते महंगा लगता पे। परफ्यूम मेरे फ्रेंड ने दिता मैंने। बस फ्रेंड है मेरा, मेरी स्टडीज विच हेल्प करता है, उन्हें मैंने गिफ्ट दिता ते मैं रख लिया। जिवें बॉबी फ्रेंड है तुहाडा, वह मदद करता ना तुहाडी? ओए ओ बॉबी मेरा कोई फ्रेंड फ्रुंड नहीं है, हाँ अजकल दोस्ती करन नू फिरदा है। मदद कीती उन्हें मेरी? ते हाँ सच, वो तो ये सोच जे ए सेंट परफ्यूम, हाँ यस, तो ये सोच जे परफ्यूम उस बॉबी ने मैनू दिता होंदा ते इहनू लेके मैं इस घर विच आ जांदी, तो फिर सारे कुछ ना कुछ तो सोचदे ना। उन्हें सारे यही लगता कि मेरा ते बॉबी का कोई चक्कर चलता पे, गलत बन जाती ना मैं। उदा ही तू भी ना इस वेले अनन्या नू गलत ना समझ, ते एक असल विच ना उन्हू तेरे रिश्ते की फिक्र है, पर साढ़े दोवां च इदां दा कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकती हाँ, पर जदों घर विच गल्लां कल्ले कल्ले बंदे नू समझाउणी पै जांदी है ना उदों ऐवें गल वध जांदी है। पता नहीं किहो जिहे सच्चे झूठे वादे करदी रही है उस बॉबी दे नाल, किहदी शर्म दी गल है। हुण तां तैनूं पता लग गया ना कि इह इस घर दी नहीं बण दे लायक नहीं। देख अनन्या, मैनू पता है कि तू की सोच रही है, पर मेरा वो दोस्त सिर्फ दोस्त ही है, साढ़े दोनों इदा का कुछ भी नहीं है जिदा का तू सोच रही है। शायद मैनू यह गिफ्ट भी वो को नहीं सी लेना चाहिए, पर यह गिफ्ट मैं अपने कोल ही रखूंगी।
दोस्त दोस्ती करी जा रही है पलक, आखिर वो मुंडे का ना क्यों नहीं दस रही? पक्का कुछ ना कुछ तो ये जान पूछ के लुको रही है साढ़े को। देखो जी कल तो पता नहीं, पर घट्टो घट अज रात नहीं तो मैं पलक नू मना लिया। वो अजे इतने ही रुक रही है, उन्हें मैं समझाता है कि कल बाऊ जी ते बीजी की सालगिरह है ते उदी पार्टी लई ना तैयारी करनी है ते सारे ने सवेरे छेती उठना है। ते मैं उन्हें ये भी समझाता है कि सवेर तो भुले जब शामी घर वापिस आ जाता है ना उन्हें भुलिया नहीं कहते, ते वो इतने रुकन लई भी मन गई है। पर तेरी गल तो उस दिन सिर्फ रात वास्ते हुई ना, एंड आफ्टर दैट जे वो चली गई तो ओ तुसी मेरे उत्ते छड़ दो, जब उन्हें सवेरे स्वाद खाना मिलूगा ना फिर देखियो ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਈ ਮੀਨ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਧੋਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, मेरे नाल कित्ता वादा निभाना है तुसी। अजय वो प्रॉमिस बाकी है। रणवीर ये तू की कर रहा है? रणवीर मैं की कीता है? तेरे डैड ते मेरी मॉम दोवें बटाले गए सी रीत कोलों डिवोर्स पेपर ते साइन करवाउण दे, बट तू उत्थे भी पहुंच गया ते रीत नू साइन नहीं करन दित्ते। तेरा दिमाग खराब हो गया रणवीर, तू अपने हत्थी अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। व्हाट्स द पॉइंट शनैब, तू कहना की चाहनी है? मैं तेनू ये कहना चाहनी हां कि मैं तेनू बहुत टाइम पहला ही दस दिता सी कि एक कुड़ी एक एक करके तेरे पूरे परिवार नू अपनी मुट्ठे विच बंद कर लूगी। हुण देख ले उही होया ना, ये तेरी पूरी फैमिली नू अपने इशारियां ते नचा रही है। और किन्ना टाइम चाहिदा कि तेरी अखां खुलन? अगेन बीटिंग अबाउट द बुश, तू ये किद्दां दी गल्लां कर रही है शनैया? तेनू अजे भी नहीं याद जदों रीत पहली बार बाऊ जी नू मिली सी उदों ही उन्हें बाऊ जी नू अपने हत्थां विच कर लिया सी, पता नहीं केड़ा जादू किया सी उन्हें। ते मैं तेनू उदों भी दस्या सी कि ए कुड़ी पूरी स्कीम बना के बैठी है, बट तू मेरी गल नहीं मनी रणवीर, ते उन्हें तेरे ते पता नहीं केड़ा जादू कर दिता, तू उहदे नाल विआह ही करा लिया ते उहदे पुराने बॉयफ्रेंड नू पैसे भी दिते। रणवीर तेनू की हो गया है? तेनू समझ नहीं आ रहा तू अपने हथे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है रणवीर? उस कुड़ी ने हजे तक तेरे पैसे भी नहीं मोड़े ते नरूला स्वीट्स उत्ते कब्जा करके बैठी है। हजे भी टाइम है रणवीर, संभल जा, बाद च ना कहीं कि मैं तेनू रोकिया नहीं सी। ते तेनू ये भी चंगी तरह पता है कि अज तक मेरी कही हुई कोई भी गल झूठी नहीं निकली। मैं कहा सी ना वो तेनू अपने पिछे ला ही लेगी, ते तू बटाले तक पहुंच गया ना उहदे पिछे पिछे अपनी पूंछ हिलाउंदा। जस्ट स्टॉप इट शनैब, तेरे उत्ते हुण मेरी किसी भी गल दा असर नहीं होना रणवीर, क्योंकि रीत नाल कटी हुई हौली हौली रात दा असर है तेरे दिमाग ते। जस्ट स्टॉप इट शनैब, जस्ट स्टॉप इट प्लीज। रणवीर मैनूं इह नहीं पता सी कि एक कुड़ी दी वजह नाल तेरा दिमाग इन्नी छेती कम करना बंद कर देगा। स्टॉप इट शनैब, जस्ट स्टॉप इट। तेनू पता है कि इस घर दे विच सारे परिवार वाले नू यही लगता है कि सारियां गलतियां सिर्फ मेरियां ही होंदियां, ते तू हुण तेनू भी यही लगता है। एंड फॉर योर काइंड इनफॉर्मेशन, मैं रीत दे घर इस करके नहीं गया सी कि मेरे दिल च उसदे वास्ते कोई फीलिंग हैगी है, बस इसी करके गया सी कि पलक दा रिश्ता ना टुटे ते पलक घर वापिस आ जावे। दैट्स इट।
एक कुड़ी पूरी स्कीम बना के बैठी है, पर तू मेरी गल नहीं मननी रणवीर। साडे बॉस के सामने तेरी वाइफ ने तेरी किन्नी की इज्जत रखी है, तेनू समझ नहीं आ रहा? तू अपने हाथी अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है रणवीर। रीत नाल कट्टी हुई हौली वाली रात का असर है तेरे दिमाग से।